नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप में लगातार अपडेट आ रहे हैं, आज फिर से एक नया अपडेट आ चुका है, जो कि वो अपडेट है 8.3। जी हाँ, आप लोगों को 8.3 अपडेट आपके पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट कर दिया गया है। और चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे कि 8.3 में क्या कुछ नया अपडेट किया गया है, जिसके बारे में आप सभी को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि ये जो जानकारी है वो आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको फर्स्ट में दिखाई देगा अपडेट करने का ऑप्शन, तो आप वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद पोषण ट्रैकर लिख के आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहीं पे आपको अपडेट का ऑप्शन मांगेगा, तो यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है, और अपडेट करने के बाद इस पोषण ट्रैकर ऐप में क्या नया ऐड हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि 5 अक्टूबर 2021 को इस अपडेट को किया गया है। चलिए, तो बग फिक्सेस का मतलब है कि जो पोषण ट्रैकर ऐप में प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के लॉगिन कर लेना है। तो जैसे कि हमने इस पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन कर लिया है, और जैसे कि आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को मालूम होगा कि इस पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोग बिना नेट के भी लॉगिन हो सकते हैं। जैसे कि जो अपडेट आया हुआ था इससे पहले पोषण ट्रैकर ऐप में 8.1, तो उस अपडेट में आप लोग बिना नेट के भी लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए अब जो इस पोषण ट्रैकर ऐप में जो 8.3 का जो अपडेट किया गया है उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया कि जो यहाँ पे बग फिक्स दिखा रहा है, वो बग फिक्स का मतलब क्या होता है। तो अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और जो लोग भी हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, वो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को सेलेक्ट करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन सेलेक्ट ज़रूर करें। तो जैसे कि होम विजिट शेड्यूल में जो समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं को यहाँ पे ठीक कर दिया गया है। जैसे कि होम विजिट शेड्यूल को हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सभी को मालूम होगा कि हमने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को इसके बारे में जानकारी दिया था कि जो लाभार्थियों का डेटा अचानक गायब हो गया था, उसी समस्या को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, यानी कि उसकी समस्या ठीक कर दी गई है। तो यही जानकारी है पोषण ट्रैकर ऐप में 8.3 के अपडेट में कि जो लाभार्थियों का डेटा है वो वापस आ चुका है। तो हमने इसके बारे में आपको पहले भी इसकी जानकारी आप सभी को दे दिया है। और कुछ इस पोषण ट्रैकर का जो अपडेट आया है 8.3, इसमें ज़्यादा और कुछ नया अपडेट नहीं किया गया है। जैसे कि जो पहले लाभार्थियों का डेटा है, सभी वैसे ही आपको काम करना है। और अगर इसके बारे में कोई नया अपडेट आता है, तो मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।